So this is the second video about prepositions. So before beginning the video, we are going to revise what are prepositions. So as per definition, एक preposition क्या होता है? ये एक word होता है या फिर group of words होते हैं जो noun या pronoun के पहले use होते हैं. So generally noun phrase के आगे हम अगर noun को कुछ direction, time, place, location, कुछ relation या किसी noun को introduce करना चाहते हैं तो हम prepositions की utilization करते हैं. इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस प्रेपोजिशंस यूज होते हैं. उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिए, अबाउट, अनटिल, अंडर, एट, ऑन, ऑफ, बिफोर, बिलो, इनटू, बिटवीन, अमंग. तो आज हम कुछ नए प्रेपोजिशंस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट प्रेपोजिशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अंडर. अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. द बुक वॉज केप्ट अंडर द टेबल. अंडर द कवर, कवर के नीचे. द मोबाइल फोन ब्रांडिंग वॉज डन अंडर द कवर. अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल रिवर अंडर द ब्रिज. अंडर अरेस्ट, द पुलिस सेड टू द पर्सन यू आर अंडर अरेस्ट. अंडर ऑर्डर्स, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कम्प्लीट दीज डॉक्यूमेंट्स अंडर द ऑर्डर्स बाय द ऑफिस. अंडर स्ट्रेन, अगर हम बोलें किसी तरह के स्ट्रेस के अंदर हो, स्ट्रेन के अंदर हो. द स्टूडेंट वॉज अंडर द स्ट्रेन सो ही वॉज अनेबल टू डू द टास्क. अंडर प्रेशर, जहाँ पे कोई दबाव हो. द डॉक्यूमेंट वॉज साइंड बाय द ट्रस्टी अंडर प्रेशर. अंडर ट्रीटमेंट, जिस किसी की ट्रीटमेंट चल रही हो. दिस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वॉज गिवन टू द पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट. अंडर द कमांड ऑफ, तो जब किसी के कमांड के अधीन कुछ हो. द लाइब्रेरी बुक वॉज इशूड अंडर द कमांड ऑफ द लाइब्रेरियन. अंडर द इन्फ्लुएंस, जब किसी का किसी के ऊपर प्रभाव हो. The thief committed the crime under the influence of the drug. Under review, these documents are under review by the central government. जब किसी चीज़ को चेक करना हो. Under regulations, you cannot park your vehicle under the regulations by the government. Under repair, my vehicle was charged $20 as a labor under the repair. Under construction, the bridge is still under construction. इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रेपोजिशन की, जिसका नाम है आउट. आउट ऑफ फैशन, जो चीज़ फैशन के बाहर हो गई हो. दीज शर्ट्स आर आउट ऑफ फैशन दीज डेज. आउट ऑफ प्रिंट, जब प्रिंट खत्म हो गया. द प्रिंटर इज आउट ऑफ प्रिंट. आउट ऑफ ब्रेथ, जब किसी को बहुत सांस चढ़ जाए. दिस पर्सन रैन फॉर 20 मिनट्स एंड नाउ ही इज आउट ऑफ ब्रेथ. आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जब कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो रिलेटिव ना हो. द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर वॉज आउट ऑफ कंटेक्स्ट. रिसर्च पेपर की जो इंट्रोडक्शन थी वो कंटेक्स्ट के बाहर थी, जो उसके साथ रेलिवेंस थी उसके बाकी मटीरियल की वो चीज़ नहीं प्रेजेंट थी. आउट ऑफ कंट्रोल, द वैन रैन आउट ऑफ कंट्रोल ड्यू टू टायर पंक्चर. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, The kid opened the packing of the box out of curiosity. Out of jealousy, jalan ke mare. The girl shouted at him out of jealousy. Out of date, when a medicine is expired, we say that it is out of date. Out of duty, jab hum koi aisa kaam kare jo kisi duty ke adheen hoke karna padta hai. I did it out of duty, jabki इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जबकि मेरी ड्यूटी ये नहीं भी थी तब भी मैंने ये कर दिया. आउट ऑफ आइडियाज, आइडियाज खत्म हो जाना. दिस टी शर्ट कंपनी इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज. आउट ऑफ पिटी, तरस के मारे. आई हेल्प्ड हिम आउट ऑफ पिटी. आउट ऑफ रीच, द मोबाइल फोन वॉज आउट ऑफ रीच. आउट ऑफ साइट, नजर से दूर. गेट आउट ऑफ माई साइट. आउट ऑफ प्लेस, किसी जगह से दूर. I felt out of place due to my suit. Next preposition है with, agree with. Shyam agree with the board of members because the reason was valid. Argue with, जब आप बात करते हैं कि किसी के साथ कुछ झड़प हो जाए या फिर कुछ argument हो जाए. It is not a good habit to argue with seniors. Begin with, जब आपने कुछ start करना है. To begin with this speech, I must greet everyone. Collide with, the balls collided with each other due to high speed. Complain with, it is not a good idea to complain with smaller issues. Concern with,
I helped that person because I had a concern with him. Cope with. To cope with this situation, I have to wear a helmet. Cover with. It is a good strategy in army to cover with your team members. Change with. I have changed this paper with a fabric. Disagree with. जब आप किसी के साथ मानते नहीं हो. I do not want to disagree with you due to this issue. Discuss with. Let's sit down together to discuss with this report. Let's sit down together to discuss with each other. Face with. We must face similar situations with confidence. Help with. I do not require any help with this matter. Trust with. It is not beneficial to trust with these documents. Next preposition है about. Argue about. जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसमें आ गया argue, तो आप किसी चीज़ के बारे में argue करेंगे. I do not want to argue with you about this matter. Boast about. She loves to boast about her talents. Care about. Motherhood is all to care about the child. Complain about. No one is going to complain about this matter. Dream about. Yesterday I had a dream about my car. Feel about. I have a very positive feel about this color. Forget about. Please ignore the consequences of this approach. Hear about. I hear about the goodwill of this brand from my friend. Joke about. It's not always good to joke about such things. Know about. I would love to know about this movie. Laugh about. It was really funny to laugh about it. Talk about. We have seen people talking about this matter. Think about. You must always think about the action before doing it. Tell about. It is always good to tell about the decision that you are going to make. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू.